हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज मुंबई। जेके नेशनल न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं आप सबकी फ्रेंड महविश। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार के दिन राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। पेगासस जासूसी कांड और देश के तमाम मुद्दे को लेकर इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत 14 दल के विपक्षी सांसदों ने मिलकर संसद भवन से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। विजय चौक पर पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पे क्या सवाल दागे, दिखाते हैं हम आपको आगे के पूरे वीडियो में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पेगासस इज क्लासिफाइड एज अ वेपन। शुड आई टेक ऑफ? पेगासस इज क्लासिफाइड बाय द इजरायली स्टेट एज अ वेपन, एंड दैट वेपन इज सपोज टू बी यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट। The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically. They have used it in Karnataka. They have used it to scuttle probes. They have used it against the Supreme Court. They have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this. Right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. देखिए, ये Pegasus जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह उस पर आक्रमण है, यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो? कैन वी टेक वन बाय वन मैम? द लिस्ट व्हिच हैज कम आउट टुडे ऑन द पेगासस थिंग, इट इंक्लूड्स अ बिजनेसमैन, अ लीडिंग बिजनेसमैन हुज नेम वाज देयर इन द ऑफसेट लिस्ट। द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन इन फ्रांस, बट हियर द गवर्नमेंट इज मम। हाउ डू यू टेक दिस? लुक, आई हैव सेड वेरी क्लियरली दैट देयर हैज बीन ग्रॉस थेफ्ट इन राफेल। नन ऑफ यू पीपल सपोर्टेड मी, दिस इज द ट्रूथ। For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out, right? There is an inquiry in France, and you will see the Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafael. You'll see it, right? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. We can't. And the reason all those people, even in your question, you're asking a very interesting question. You're asking it in a very particular way. Why are you not asking why the CBI director's phone was not tapped? Why are you asking me about Anil Ambani? No, you can't ask me because you, because this is a mischievous question. The real question is, why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it?
That's the question. The question is not whether Anil Ambani's phone was tapped. See, so even in your questions... It's all related. No, no, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know, you don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you're paid, maybe because you have to live with these cameras, maybe. But this is not an attack on Rahul Gandhi, this is not an attack on individuals, this is an attack on the Indian state. Sir, Sarkar lagatar ye keh rahi hai ki ye jo vipaksh ka istemal vipaksh keh raha kiya gaya hai, usse kuch ka koi lena dena nahi hai, wo jaat se to inkaar kar rahi hai. To aise mein aap... Achha, to ek baat bataiye. अगर इधर looking अगर कुछ लेना देना नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इसराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे. प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये जवाब नहीं है कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा. नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसका तो जवाब दे दीजिए. आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा.